हिंदी सिनेमा के अनसुने किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम प्राइम फ्लैशबैक। 80 और 90 के दशक में समानांतर सिनेमा में मेन एक्टरों में से एक रही हैं दीप्ति नवल। दीप्ति नवल की जुगलबंदी उस दौर के कलाकारों जैसे ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और फारूक शेख के साथ काफी कामयाब रही है। 3 फरवरी 1952 को जन्मी दीप्ति अब 65 साल की हो चुकी हैं। दीप्ति की स्कूलिंग यूं तो भारत में हुई थी, पर हायर एजुकेशन दीप्ति ने विदेश से हासिल की थी और बाद में उन्होंने अमेरिकन थिएटर भी ज्वाइन किया था। वहीं पर एक शो के दौरान दीप्ति की मुलाकात राज कपूर से हुई और भारतीय सिनेमा के प्रति दीप्ति का रुझान हुआ। दीप्ति फिर इंडिया वापस आ गईं और 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से अपने करियर का आगाज उन्होंने किया। इसके बाद 1981 में दीप्ति नवल की फिल्म चश्मे बद्दू रिलीज हुई, जिसमें दीप्ति ने एक सेल्स गर्ल का रोल अदा किया था। उस वक्त उस रोल को लोगों ने काफी पसंद किया और ये फिल्म जबरदस्त कामयाब हुई। इस फिल्म में दीप्ति फारूक शेख के अपोजिट थी और इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में फारूक और दीप्ति की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। एक साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। बकौल दीप्ति, फारूक शेख जैसा को स्टार दूसरा कोई हुआ ही नहीं है। दीप्ति के इस कोट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीप्ति और फारूक एक दूसरे के कितना करीब थे, पर दीप्ति ये भी मानती हैं कि फारूक ने कभी उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की। दीप्ति और फारूक शेख की दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं थी। दीप्ति ने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा से शादी की थी, पर यह शादी कुछ सालों बाद टूट गई। अकेली दीप्ति को फारूक शेख ने काफी सहारा भी दिया था। जब फारूक शेख का निधन हुआ तब दीप्ति नवल फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि उनका एक सच्चा दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। फॉर मोर वीडियोज एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट।